बिस्मिल्लाह रहीम। हम प्रोडक्ट हंटिंग कल से हमने स्टार्ट की है, देख रहे हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट हंट करनी है और विच प्रोडक्ट टू गो फॉर आउट फॉर ऑफ 12 मिलियन प्रोडक्ट्स। ऑलमोस्ट इससे भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं अमेजोन पर। उन प्रोडक्ट्स में से हमने कौन सी प्रोडक्ट चूज करनी है और प्रोडक्ट को हंट करने के बाद उसको तरीकाकार क्या है कि उसको फिर सोर्स करवाना है कहाँ से, वो आप डिपेंड करता है कि आप कौन किस कंट्री से सोर्स करवाते हैं। पाकिस्तान से भी सोर्स करवा सकते हैं, चाइना से भी सोर्स करवा सकते हैं, इंडिया से भी करवा सकते हैं, बांग्लादेश से भी, जहां से आपको सोर्सिंग सस्ती पड़ती है, टैक्सेस वगैरह या इतनी ज्यादा लिमिटेशन नहीं है, इतनी ज्यादा कंडीशंस नहीं है, वहां से आप सोर्स करवा सकते हैं। और सोर्स करवाने के बाद आपकी प्रोडक्ट्स आपके वेयर हाउस में, अगर FBM मॉडल हो तो आपके वेयर हाउस में, अगर FBA चूज किया हो तो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाती है और फिर आपने उन प्रोडक्ट्स को रैंक करवाना होता है और फिर आपकी प्रोडक्ट्स सेल होने लग जाती है। यहाँ पे आपसे मुराद हमारे सेलर, हमारे सेलर्स की प्रोडक्ट होगी, हमारे क्लाइंट की प्रोडक्ट होगी जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएगा और हम एज ए वर्चुअल असिस्टेंट उसका काम कर रहे होंगे और हमें वो इस बात की, इस चीज की, इस काम करने का पे कर रहा होगा। ठीक है, तो हाउ टू पिक अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आपने पिक कैसे करनी है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स हम इंशाल्लाह देखेंगे। इस तरह से आपने एक प्रोडक्ट हंट करनी है, जिसे हम प्रोडक्ट पिक कैसे करनी है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर प्रोडक्ट हो वो आपने पिक करनी है एंड जिसकी मीडियम डिमांड हो और लो कंपटीशन हो। अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा तो फिर आपकी सेल आनी मुश्किल हो जाएगी। जिसकी डिमांड भी हो लेकिन कंपटीशन लो हो, ठीक है। और डिफरेंट कैटेगरीज में से प्रोडक्ट्स हमने चूज करनी है वो, और उन कैटेगरीज में से ही हमने प्रोडक्ट चूज करनी है जो अनगेटेड है, जो गेटेड नहीं है, यानी ऐसी प्रोडक्ट्स के जिनके लिए अमेजोन से बहुत ज्यादा अप्रूवल्स या बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल कि कोई मेडिकल की प्रोडक्ट है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर मेडिकल की प्रोडक्ट गेटेड है वो और उसको अमेजोन पे सेल करने के लिए अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़ती है और काफी सारे सर्टिफिकेट्स और काफी सारी रिक्वायरमेंट्स अमेजोन की पूरी करनी पड़ती है, तो उससे बेहतर है कि हम प्रोडक्ट हंट ही ऐसी करते हैं कि जो अनगेटेड हो, जो कि हमें जिसके लिए अप्रूवल ना लेनी पड़े, जो हम बस लिस्ट करें और अपनी सेल स्टार्ट करें। प्रोडक्ट हंटिंग वाया हीलियम 10, हीलियम 10 के जरिए आप प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करेंगे, ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट रिसर्च। कल हमने ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट रिसर्च देखा था, हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट रिसर्च आपने कल देखा था जी, कल वाले सेशन में, लास्ट सेशन में हमने प्रोडक्ट रिसर्च ब्लैक बॉक्स के थ्रू ये वाला क्राइटेरिया लगा के, जिसमें रेवेन्यू हमने 10K to 25K, प्राइस 15 to 35 डॉलर एंड 150 to 300 रिव्यूज एंड मिनिमम रेटिंग 4.3। तो हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट के फीचर्स कौन से हों, जो प्रोडक्ट हमने चूज करनी है वो प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए। एक तो पहली बात कि वो ऑलरेडी सेलिंग ऑन अमेजोन हो, ठीक है, यानी ऐसी प्रोडक्ट होगी जो कि पहले से अमेजोन पर अच्छी सेल हो रही है, ठीक है। अच्छी सेल अगर हो रही है तो हमने कल देखा था कि एवरेज सर्च वॉल्यूम जिसका अच्छा होगा वही सेल अच्छी हो रही होगी, जिसके रिव्यूज अच्छे होंगे, मीडियम रिव्यूज होंगे, वही सेल अच्छी हो रही होगी और उसमें हमारा कंपटीशन भी ज्यादा नहीं होगा, रिव्यूज ज्यादा। इसके बाद है प्रूवन डिमांड, वही बात आ गई कि सर्च वॉल्यूम और सेल अच्छी हो और सर्च वॉल्यूम अच्छा हो तो फिर उस प्रोडक्ट में हम जाएंगे। तीसरी बात यह है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, ये ना हो कि हम इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगा दें लेकिन हमें उस प्रोडक्ट में से प्रॉफिट ही ना आ रहा हो तो उसका तो फिर हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट हंटिंग पढ़ रहे हैं प्राइवेट लेबल की, और प्राइवेट लेबल में तकरीबन जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कितना प्रॉफिट आएगा, तो हम तकरीबन 35 to 40% प्रॉफिट पे जा रहे होते हैं। 35 to 40% प्रॉफिट शुड बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, नॉट टू मच कंपिटिशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए उस वाली प्रोडक्ट में जो हम लॉन्च करेंगे, जो हम प्रोडक्ट हंट करें उसमें टू मच कंपटीशन ना हो, नॉट टू मैनी ब्रांड्स एंड बिग सेलर्स। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स अगर सेल कर रहे हो उसी तरह की प्रोडक्ट और फिर आप भी वो प्रोडक्ट सेल करें उसी तरह की बनवा के, थोड़ी सी चेंज करवा के, तो आपकी प्रोडक्ट उतनी सेल अच्छी नहीं होगी क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पहले ही सेल कर रहे हैं, तो लोग बड़े ब्रांड से प्रोडक्ट लेना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय इसके कि आप एक न्यू ब्रांड है या न्यू सेलर है उससे प्रोडक्ट लें, ठीक है जी। डिफरेंशिएबल,
इंप्रूवमेंट पोटेंशियल, ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्ट और दूसरे की प्रोडक्ट मिक्स हो, थोड़ी सी डिफरेंशिएबल होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट जो आप चूज करें दूसरे से, थोड़ी सी डिफरेंट, लेस लीगल लिमिटेशंस, पेटेंट बोथ डिजाइन एंड यूटिलिटी, यूटिलिटी एंड डिजाइन पेटेंट्स जो है, यानी ऐसा ना हो कि आप किसी और की प्रोडक्ट चूज कर लें, कोई ऐसा डिजाइन चूज कर लें कि जो पहले से रजिस्टर्ड है, पेटेंट रजिस्टर्ड है, और उसको आपने लॉन्च कर दिया और जिसका पहले से पेटेंट रजिस्टर है वो आपके केस कर देगा। इसलिए हम लेस लीगल लिमिटेशन वाली प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, जिसके जिसमें लीगल लिमिटेशन ना हो ज्यादा, ठीक है। इजी टू सोर्स, ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि जो कि आसानी से सोर्स करवाई जा सके, ये ना हो कि चाइना में भी जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं वहां से भी हमें हम सोर्स ही ना करवा सकें, ठीक है। तो वो भी अच्छी बात नहीं है कि हम अगर सोर्सिंग में मुझे हमें मुश्किल पेश आए तो वो प्रोडक्ट एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं कंसीडर होगी। ये सारे फीचर्स जो हम प्रोडक्ट चूज करेंगे, जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे तो आपके माइंड में ये सारे फीचर्स होने चाहिए। कंज्यूमेबल, डिमांड शुड बी कॉन्स्टेंट। कंज्यूमेबल से मुराद क्या है, आप में से कोई बताएगा चैट में, जरा बताएं कि कौन सी प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है आपके माइंड में, कोई ऐसी प्रोडक्ट आती है जो कंज्यूमेबल है? कोई नेम, कोई एक नेम बताएं जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल टिश्यू पेपर, हर माह में नए, हर मंथ हर घर में हर मंथ नए टिश्यू पेपर आते हैं ना, अच्छा इसके अलावा और क्या कंज्यूमेबल है? मैंने एक एग्जांपल दिया टूथपिक, ठीक है। और चलिए आप बता दें जो कंज्यूमेबल नहीं है, पेपर वर्क। आप अपने इर्द गिर्द अपने रूम में अपने घर में देखें कौन कौन सी प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है। यहाँ पे कंज्यूमेबल से मतलब ये है कि ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि लोग कंस्टेंटली बाय करें, इन वेल्थ जो, ठीक है। वाटर बॉटल्स बिल्कुल बहुत अच्छी एग्जांपल है, टूथपेस्ट बिल्कुल, सॉप शैम्पू भी, ठीक है। और अभी आप अपने इर्द गिर्द की घर की चीजें ही बता रहे हैं, पेंसिल जो, ठीक है। और ये कौन है जी, निशान, सब ही कंज्यूमेबल है, लेकिन वो कंज्यूमेबल तो है सभी, लेकिन उसमें ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो एक मंथ के अंदर कंज्यूम हो जाती है और दोबारा लेनी पड़ जाती है, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि जो सारा साल चलती है, ठीक है, उनको फिर हम कंज्यूमेबल तो नहीं कहेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर्स, हैंड फ्री हेडफोन्स, ठीक है, और सो ऑन, इस तरह के बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हम क्लॉथिंग की प्रोडक्ट्स ले लें, ठीक है, ये भी दो चार माह के बाद। फूड आइटम्स, फूड आइटम्स वैसे हम मतलब जो ऑलमोस्ट रोज डिमांडिंग में हो, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ठीक है। प्रिंटर पेपर बिल्कुल, और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंज्यूमेबल है, ठीक है। और जब आप आपके सामने लाखों प्रोडक्ट्स आएंगी, हजारों प्रोडक्ट्स आएंगे, तो उनमें से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंज्यूमेबल है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, स्मॉल, नॉट टू बल्की एंड एक्सपेंसिव। ऐसी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जो कि स्मॉल हो, बहुत ज्यादा बल्की ना हो और एक्सपेंसिव भी ना हो ज्यादा, स्मॉल हो। क्योंकि अगर हम टू बल्की प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा बड़ी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, तो उसके लिए अमेज़न स्टोरेज कॉस्ट बड़ी ज्यादा लगाएगा, उसको उसके लिए शिपमेंट कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, हमारी चाइना से सोर्स करवाने की कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, तो उसमें फिर शायद हमें प्रॉफिट मार्जिन कम बचे। नॉन ब्रेकेबल, ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स नहीं लगाएंगे हम, ब्रेकेबल प्रोडक्ट आप हंट नहीं करेंगे। आप जब भी प्रोडक्ट हंट करेंगे तो नॉन ब्रेकेबल हो। अब ब्रेकेबल प्रोडक्ट कौन सी होती है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई ग्लास है, कोई शीशे की कोई चीज है, या कोई प्लास्टिक की ऐसी चीज है कि जो बहुत नाजुक है, ठीक है, वो सारी प्रोडक्ट्स ब्रेकेबल है, कि वो रास्ते में टूटने का खतरा है, कि चाइना से सोर्सिंग करवाते हुए यूएस से पहुंचते पहुंचते दरमियान में कुछ आइटम्स टूट ना जाए, या हमारे सही तरीके से पहुंच गई है इन्वेंट्री चाइना में, यूएसए में, तो फिर जो ऑर्डर्स आएंगे उन ऑर्डर्स के दरमियान डिलीवर होते हुए कोई प्रोडक्ट टूट ना जाए। तो आप में से कोई बताएगा कि ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं जो हम चूज नहीं करेंगे? जी ठीक है, लैम्प, ग्लास प्रोडक्ट्स बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। मिरर, वॉल मिरर, लैंप, डेकोरेशन पीसेस बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिसके बाद है नॉन सीजनल, नॉन सीजनल एलईडी बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात की सामान। रेगुलर सेल्स थ्रू आउट द ईयर, ऐसी प्रोडक्ट्स हों जिनकी रेगुलर सेल हो थ्रू आउट द ईयर,
नॉन सीजनल, सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए। सीजनल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? सीजनल प्रोडक्ट्स जी, ठीक है, समर क्लॉथ्स, अम्ब्रेला, ब्लैंकेट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल के क्रिसमस की कुछ चीजें आ गई, ठीक है, क्रिसमस पे जो चीजें यूज होती हैं, जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो यूएसए में या यूके में लोग, तो वो सारी सीजनल है, वो सिर्फ क्रिसमस पे साल में एक ही दफा यूज होगी, उसके बाद कोई भी नहीं उसको खरीदेगा ना, पूरी साल इन्वेंट्री आपकी पड़ी रहेगी, तो इसलिए सीजनल प्रोडक्ट्स को हम चूज नहीं करते, ठीक है जी। कैप जैकेट ब्लैंकेट, अच्छा जी, प्रोडक्ट अक्रॉस द पेज, हाँ जी बिल्कुल, जो लिमिटेड टाइम के लिए होती है उन्हें हम वो सीजनल कहते हैं, ठीक है, यानी कुछ सर्दियों की प्रोडक्ट्स हैं, गर्मियों की हैं, बाहर की हैं, या कुछ जी, तो प्रोडक्ट अक्रॉस द पेज शुड बी यूनिफॉर्म इन डिजाइन एंड यूटिलिटी, डिजाइन एंड यूटिलिटी में प्रोडक्ट्स पूरे पेज में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट्स, यानी बायर कुछ और सर्च करे और उस पेज में बहुत सी डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो हो रही है, जैसे हमने कल टॉवल सर्च किया था, बाथ टॉवल, तो सारे टॉवल्स ही शो हुए थे, या टॉवल सेट्स सर्च किया था हमने तो सारे टॉवल्स ही शो हुए थे, लेकिन उस कोई ऐसी प्रोडक्ट्स भी कुछ होती हैं कि जिनके नेम में प्रोडक्ट अक्रॉस द पेज यूनिफॉर्म नहीं होती, जिसमें डबलिंग आ जाती है, हम कह सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट को सर्च करें उसके रिलेटेड और काफी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएं और वो भी प्रोडक्ट्स आ जाएं, तो ये जो एक पॉइंट है इसका मकसद ये है कि हमारा, हम जब सर्च करें कोई भी कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड प्रोडक्ट के लिए सर्च करें, तो पहले पेज पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हों वो एक ही तरह की हों, ठीक, ऐसी प्रोडक्ट हम चूज करें, ठीक है। तो पहली तो बात ये थी कि हमने हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स में से, ये थे अभी तक जो हमने पढ़े, ये थे प्रोडक्ट के फीचर्स कि प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का ये एक क्राइटेरिया है कि प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम 20,000 से 50,000 के दरमियान होना चाहिए, कम से कम 20K होना चाहिए, मिनिमम प्रोडक्ट सर्च वॉल्यूम 20K हो, ठीक है। इसके बाद एवरेज रिव्यू, एवरेज रिव्यू कितने हो, 150 to 300 तक, प्राइस एंड BSR, बेस्ट सेल्स रैंक कितना होना चाहिए, लेस देन 30K, यानी 30,000 से कम होना चाहिए, 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेस्ट सेल रैंक, आपको पहले भी मेरा ख्याल है कि बेस्ट सेल रैंक के बारे में मैंने बताया हुआ, बेस्ट सेल रैंक ये क्या होता है, कोई बताएगा आप में से कि बेस्ट सेल रैंक क्या होता है, मार्क्स होते हैं जो अमेज़न सेलर को देता है, लाइक पॉइंट्स, प्रोडक्ट्स को भी अमेज़न मार्क्स देता है, एक रैंक देता है, नंबर देता है, जो बहुत ज्यादा अच्छी सेल हो रही हो उसे वो नंबर वन देता है, जो सबसे अच्छी सेल हो रही हो, और हर कैटेगरी में अलग अलग सेल रैंक होते हैं, ठीक है, यानी क्लॉथिंग की कैटेगरी के अलग सेल रैंक है, गार्डनिंग की कैटेगरी के अलग अलग सेल्स रैंक है, ठीक है। तो इसके बाद है एवरेज रेवेन्यू, उससे अर्निंग कितनी होती है, वो ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी मिनिमम अर्निंग $10K to $25K, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, इंडिविजुअल BSR लेस देन 5,000, ये इंडिविजुअल BSR एक अलग से, यहाँ पे जो BSR है वो एवरेज है, ठीक है, और इंडिविजुअल BSR एक प्रोडक्ट का होगा, ठीक है, लेस देन, वो हम देखेंगे कि किस तरह से हमने इंडिविजुअल BSR देखना है, इंडिविजुअल सेल कैसे देखनी है, और रिव्यू काउंट, यहाँ पे एवरेज रिव्यू है, यहाँ पे रिव्यू काउंट है, ये तीनों चीजें हम बाद में देखेंगे, ये तीनों इंडिविजुअल BSR, इंडिविजुअल सेल एंड रिव्यू काउंट, ठीक है। तो आज हम एक दफा दोबारा मैं आपको रिपीट करवाता हूँ कि हमने किस तरह से हीलियम 10 में ब्लैक बॉक्स में जाके क्राइटेरिया लगाना है, और क्राइटेरिया लगा के आपने किस तरह से प्रोडक्ट सर्च करनी है, और फिर उसमें से प्रोडक्ट्स को ओपन करके अमेज़न पे उसमें से आपने किस तरह से मेन कीवर्ड निकालना है, और मेन कीवर्ड को सर्च करके आपने फिर एक्सरे कैसे रन करना है, ठीक है।
तो ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है गूगल क्रोम की। ठीक है जी, यहाँ पे मैं पहले तो एएमजी टूल बॉक्स यानी कि जहां से मैंने टूल्स लिए हुए हैं वो पहले मैं लॉगिन करूंगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपके आपको मैंने कहा था कि आपने एक फ्री वाला हीलियम 10 साइन अप कर देना है एक दफा। ठीक है, आपने कर लिया है, जिस जिसने फ्री हीलियम 10 साइन अप कर लिया है वो जरा यहाँ पे डन का बटन डन लिखें चैट में। ठीक है जी, आपको रन भी करना आ गया है। ठीक है, 3 से 4 लोगों ने सिर्फ डन लिखा है, बाकियों ने मेरा ख्याल नहीं किया, चले बाद में पूछते हैं। तो ये इस पे क्लिक करता हूँ तो हीलियम 10 ओपन हो जाएगा। हीलियम 10 ओपन हो गया, ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर देखें तो यहाँ पे amazon.com सिलेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ से हम कैटेगरीज चूज करेंगे, कैटेगरीज हम होम एंड किचन। आप यहाँ से 2 से 3 और पेट सप्लाईज, ऑफिस प्रोडक्ट्स एंड टॉयज एंड गेम्स, कोई भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ से 4 कैटेगरीज मैंने सिलेक्ट कर ली। रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू मिनिमम कितना मैंने बताया था वो अब आप बताएंगे चैट में, बताएंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम रेवेन्यू कितना था। मिनिमम 10K, मैक्सिमम ठीक है जी, ठीक है मिनिमम 10K, मैक्सिमम 25K, प्राइस 15 to 35। ठीक है जी, और रिव्यू काउंट कितने बताए थे? ठीक है, 150 to 300। रेटिंग, रेटिंग का बताएं जरा, जो लोग एक्टिव हैं उनका भी मुझे पता चल रहा है, जो एक्टिव नहीं है उनका भी पता चल रहा है। ठीक है, और फिर हम सर्च कर देंगे। ठीक है, सर्च किया तो हमारे हमारे सामने ये नीचे 200 प्लस 200 प्लस प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ठीक है, और ये क्योंकि पेड टूल है तो इसमें सारी प्रोडक्ट्स हमें शो करवाता है। ये कल हमने देखा था 3-4 प्रोडक्ट्स फ्री वाले में शो करवाता है वो। तो फॉर एग्जांपल कि ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैं इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे करंटली अनअवेलेबल आ रहा है, क्या इशू क्या है, क्यों करंटली अनअवेलेबल आ रहा है, कोई बता सकता है आप में से? लोकेशन पाकिस्तान की लगी हुई है जी, बिल्कुल ऊपर देखें डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है, इसको हम 1001 न्यूयॉर्क का कोड लगा देंगे, न्यूयॉर्क का कोड 1001 लगा के अप्लाई कर देंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने अब वो प्राइस शो होने लगी इस प्रोडक्ट की। ठीक है, इस प्रोडक्ट में ये तो फिशिंग है, फिशिंग ये सबसे पहला जो होता है ये ब्रांड का नेम होता है। ठीक है, पैक ऑफ 100 क्लियर प्लास्टिक वर्टिकल बैज होल्डर्स, प्लास्टिकल प्लास्टिक बैज होल्डर्स, इसमें मेन कीवर्ड कौन सा हो सकता है आप में से बताएं जरा, लिख के चैट में लिखें। नेम नेम टैग होल्डर्स, कार्ड होल्डर्स, प्लास्टिक वर्टिकल बैग होल्डर्स, आपका जवाब ठीक है लेकिन हम ट्राई करेंगे कि 2 वर्ड्स का कीवर्ड हो, सिर्फ 2 वर्ड्स का वो एक अच्छा कीवर्ड होगा, बैज होल्डर, बैज होल्डर। ठीक है, कार्ड होल्डर, दोनों कीवर्ड्स ठीक है, बैज होल्डर्स और कार्ड होल्डर्स, बैज होल्डर। और इसको न्यू टैब में हमने ओपन कर लिया और मैंने यहाँ पे सर्च किया बैज होल्डर्स। बैज होल्डर सर्च करने के बाद पहले तो आप देख लेंगे कि क्या सेम तकरीबन वैसे ही आए हैं, बैज होल्डर्स ही आए हैं ना, देखें तकरीबन सेम प्रोडक्ट है, यूनिफॉर्म है, फर्स्ट पेज पे सारे एक ही प्रोडक्ट आ रही है। तो हम इसमें यहाँ से हीलियम 10 में आएंगे, ऊपर जो एक्सटेंशन लगाई हुई है, एक्सटेंशन आई हुई है ऊपर, एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, एक्सरे पे क्लिक कर देंगे तो एक्सरे रन होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो हमें बैच होल्डर के रिजल्ट्स एक्सरे ने शो करवा दिए। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा सर्च वॉल्यूम भी थोड़ा है, सर्च वॉल्यूम हम मीट नहीं करता क्राइटेरिया से, एवरेज रिव्यूज बहुत ज्यादा है, हमारे क्राइटेरिया से मीट नहीं करते। बी एस आर फिर भी ठीक है, किसी हद तक एवरेज बी एस आर इतना ठीक है, एवरेज प्राइस ठीक है, एवरेज रेवेन्यू भी ठीक है, लेकिन ये दो जो हमारे क्राइटेरियाज हैं ये मीट नहीं कर रहे, तो इसलिए हम ये प्रोडक्ट हम चूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट और हम ऐड ओपन करके देख लेते हैं। और हमने इसी तरह आपने क्या करना है कि ये सारी प्रोडक्ट्स एक एक करके ओपन करके देखनी है, और उसके बाद उनमें से उनका मेन कीवर्ड निकालना है। जैसे कि ये है, तो इसमें इसका मेन कीवर्ड कौन सा हो सकता है, 60 शीट हैवी ड्यूटी स्टेपलर, टू फिंगर्स नो एफर्ट स्प्रिंग पावर्ड स्टेपलर। जी आप में से कोई बताए कि कौन सा इसमें से हो सकता है। स्प्रिंग पावर स्टेपलर, स्टेपलर हो सकता है सर। जी बिल्कुल स्टेपलर हो सकता है, अकेला स्टेपलर भी हो सकता है। इसमें से हम और स्टेपलर, पेपर स्टेपलर, जी जैसे पेपर स्टेपलर भी अच्छा कीवर्ड है, हैवी ड्यूटी स्टेपलर भी हो सकता है, हैवी ड्यूटी स्टेपलर, इसको सर्च करके देख लेते हैं। देखिए तकरीबन सारे स्टेपलर्स ही आए हैं। ठीक है, लेकिन जो हमने स्टेपलर देखा है ना पीछे, वो हैवी ड्यूटी, इतना हैवी ड्यूटी स्टेपलर नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हम कीवर्ड सर चेंज करते हैं। नहीं, ड्यूटी स्टेपलर तो हो ही सकता ना, हैवी ड्यूटी एक लैदा कीवर्ड है पूरा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते इस तरह से, उसमें से हैवी नहीं निकाल सकते ना। एक और आप में से किसी ने बताया था, क्या था, हाँ जी स्प्रिंग पावर्ड स्टेपलर। सर ये प्रोडक्ट एक दफा बाय करने के बाद यूजेबल रहता होगा, काफी साल चलता है, इसको आई थिंक इसकी ज्यादा डिमांड भी हो नहीं होगी। हाँ जी ऐसा भी है, लेकिन ये है कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल के अभी एक ऑफिस में पहले एक की डिमांड थी, फिर दो की, फिर तीन की, तो यानी फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल ही हम लगा लें तो उसमें दो पहले एक स्टेपलर है भी, तो दो तीन और भी लेने पड़ेंगे, या उसको एक घर के लिए भी स्टेपलर लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये इतना ज्यादा इसको हम वो नहीं कह सकते कि ये कंज्यूमेबल नहीं है, ये कंज्यूमेबल है, ये खराब हो गया है तो फिर दोबारा लेना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल ये है कि इतना ज्यादा कंज्यूमेबल नहीं है, आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है। ठीक है, हम अकेला स्टेपलर ही सर्च करके देख लेते हैं। स्टेपलर, अकेला स्टेपलर सर्च किया तो वो जो नॉर्मल स्टेपलर है वही आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हम एक्सेल रन करके देखते हैं। तो ये स्टेपलर का हमारे सामने, स्टेपलर का एक्सरे ने जो रिजल्ट दिखाया वो हमारे सामने 1 लाख से अबव सर्च वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एवरेज रिव्यूज देखें काफी ज्यादा है, तो इतने ज्यादा रिव्यूज हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। एवरेज बी एस आर बहुत अच्छा है, एवरेज रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी बड़ी अच्छी है, लेकिन सेल्स, सर्च वॉल्यूम और एवरेज रिव्यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह ब्लैक बॉक्स से, तो हमने प्रोडक्ट्स निकाल के उस पर एक्सेल रन करके देख ली, हम कुछ आइडियाज देखेंगे कि ब्लैक बॉक्स के अलावा कौन से आइडियाज हैं जिनसे हम प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है,